जाता ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गामित मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गाइस, आज के फ्रेश व्लॉग में आज आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बीती रात हमारे पूरे सनगढ़ तहसील के दक्षिण एरिया में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसके वजह से बहुत सारी नदी में बाढ़ आई और बहुत सारे मेन पुल टूट गए हैं, जिसकी वजह से जिला के मथक से संपर्क टूट चुका है। तो गाइस, इस वक्त हम हमारे घर से मेरी स्कूल की ओर हम निकलने वाले हैं, तो बीच रास्ते में जो जो नुकसान हुआ है, नदियों उफान पर है, पूरा नज़ारा आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहे। हमारा आज का ब्लॉग है वो आसपास का जो मूसलाधार बारिश के रिलेटिव आज का मैं क्लास में बताऊँगा। तो इस प्रकार का पूरा नज़ारा है, पूरी ग्रीनरी छाई हुई है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो डांगर का धान है उसकी बुआई हो रही है। अभी बारिश रुकी हुई है, अभी हेतवी की मम्मी के साथ हम हमारी फोर व्हील लेके निकलेंगे, तो हमारे इस ब्लॉग के साथ बने रहे। तो गैस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तुरंत हम निकलते हैं, तो बने रहे हमारे इस ब्लॉग के साथ। चलो, तैयार हो गए ना? तो गैस, इस वक्त हम हमारे घर से निकल चुके हैं और पहले आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि अमलगुंडी एम का व्यारा से जुड़ता हुआ जो अमलगुंडी में बना रिवर पर बना पुल जो टूट चुका है, तो पुल का नज़ारा आपको पहले हम दिखाएंगे, उसके बाद आगे जो भी नुकसान हुआ है उसका भी पूरा नज़ारा आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। तो गैस, बने रहिए, अभी हम जा रहे हैं अमलगुंडी में, जो पुल है वो टूट चुका है, तो उसका पूरा नज़ारा आप सभी को मैं दिखाऊँगा। गाइस देखिए, यहाँ पर जो दूध का टैंकर आया हुआ है वो अभी यहाँ पर खड़ा है, वो आगे नहीं जा सकता। बहुत सारे व्हीकल यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे यहाँ पर रुके हुए हैं। पहने दो यहाँ अमलगुंडी से जो भी नज़ारा था आप सभी को मैं हमने दिखा दिया। अभी जो अमलगुंडी में से जो रिवर गुजरती है उसी रिवर पर नज़ारा दिखाएंगे, कितना पानी आया है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है। ये गोपालपुरा में अभी हम हैं और ये गोपालपुरा का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पर सारी जो रेलिंग है वो तोड़ डाली है। देखो गाइस, उसका मलबा यहाँ पर टूट के पड़ा हुआ है। तो गाइस, यही रिवर पर शायद ये रास्ता भी बंद पड़ा है। वो जो बाइक वाला भैया आता है उसको हमें पूछना पड़ेगा कि फोर व्हील निकलेगी कि नहीं। ये नहीं निकलेगी फोर व्हील, निकल जाए ना। तो गाइस, बाइक वाला भैया से हमने पूछा कि फोर व्हील निकलेगी कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि निकल जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर भी रिवर पर बना ये पुल टूट चुका है। तो गाइस, ये देखिए, बहुत सारी बाढ़ आई थी, अभी तो पानी कम हो गया है, धीरे धीरे करके फोर व्हील निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। ये गाइस देखिए, तो गाइस दोनों साइड पर जो भी रेलिंग बनी हुई थी सारी रेलिंग तोड़ डाली है। कितनी सारी रात को बाढ़ आई होगी ये आप यहाँ का नज़ारा आप देख के एक अंदाज लगा सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए, अभी हम आगे का व्यू आप सभी को हम दिखाएंगे, जो गिरमाल रिवर है उसका व्यू भी आप सभी तक हम लाएंगे। ये जंगल में भी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आगे तुरंत पानी रास्ते के ऊपर से चलने लगता है ये जगह पर। ये देखिए, अभी तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन
कुछ थोड़ी ज्यादा बारिश आई ना तो तुरंत ऊपर से पानी जाने लगता है और रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो गाइस अभी तो बारिश बंद है, थोड़ी 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 बूंदाबांदी हो रही है। गाइस देखियो यहाँ पर भी ये मलबा रास्ते के ऊपर आ गया है, पूरा रास्ता अभी यहाँ भी बंद पड़ा है। तो गाइस इस वक्त हम डांग बॉर्डर पर हम आ पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर में हम डांग में एंटर हो जाएंगे। ये तापी जिला का लास्ट गांव है, कपड़बंद करके गांव का नाम है और सामने आप देख सकते हैं पुल का नजारा। तो यहां से गाइस डांग जिले की शुरुआत होती है और ये तापी और डांग जिले के बीचों बीच बहने वाली ये गीरा रिवर है। इसी रिवर पर गीरा दोद आगे आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त इस रिवर में भी बहुत बाढ़ आई हुई है, ये आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही भूफान पर है ये रिवर। तो पूर्णा वन्य अभयारण्य में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, पूर्णा रिवर का ये पूरा नज़ारा आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी हम डांग में एंटर हो चुके हैं, अभी आगे आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि डांग का प्रवेश द्वार जो कि बर्डीपाड़ा में हम अभी थोड़ी ही देर में एंटर होंगे। आज बर्डीपाड़ा में यहाँ का लोकल बाजार लगा हुआ है, तो शायद बाजार लगा हुआ है तो उसका भी नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ। ये आप देख सकते हैं डांग का प्रवेश द्वार बर्डीपाड़ा। आज का यहाँ पर लोकल मार्केट भी लगा हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार का ये चेक पोस्ट बना हुआ है। तो बाजार में चलते हैं, बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी हम बर्डीपाड़ा, यहाँ पर जो लोकल मार्केट हर फ्राइडे को लगता है, तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये गाइस देखिए यहाँ का लोकल मार्केट, बहुत सारी मच्छी भी आई हुई। कहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर साइड पर लगा लेंगे, है ना। बहुत सारी मछली, बड़ी बड़ी मछली, कोटला, बहुत बड़ा मछली आई है।